सादा पीछे जा। अरे अभी खेलते हैं। फुटबॉल मैच। और मार क्या भाई? और उसके बाद बेस्ट सेकंड। आप बैठ जाओ। बैठे। प्लीज बैठ जाओ। अरे भाई। लालू। लालू। या। विजय सर प्लीज ऑन स्टेज। ओ मोबाइल। मिस्टर बारसे। विजय सर। आइए सर। स्मृति जी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चीफ गेस्ट सिद्धार्थ जी इनका हार्दिक स्वागत है जो नागपुर के विश्व कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और उन्होंने कुछ बच्चों को उस बरसात की शाम इस बाल्टी को किक करते हुए देखा। इन्हें एक आइडिया आया और इन्होंने जो शुरू किया आज हम सब उसे स्लम सॉकर के नाम से जानते हैं। वेलकम सर। यहाँ तक पहुंचे हम लोग 2001 में, जैसा कि हमारे अनाउंसर ने कहा कि 2001 में बारिश की शाम में कुछ बच्चे ऐसे ही कीचड़ में टूटी बकेट से प्लास्टिक को किक कर रहे थे और एज ए टीचर मैं जब वहाँ से चले जा रहा था, बारिश आने से मैं वहाँ रुक गया तो मेरी टटोलने वाली आंखें उनमें कुछ ढूंढ रही थी और उसमें मुझे मिला। मैंने वहाँ आधे घंटे भी ये देखा था कि ये जो स्लम के अधनंगे बच्चे जो खेल रहे हैं, ये जिसको किक मिल जाए, बकेट मिल जाए, उसको किक करने के बाद फिर उस कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे। उस आधे घंटे में मैंने ये देखा कि जितनी देर के बच्चे जिसको मौका मिल रहा है और उसके साथ ही जिसको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे ये सारे बच्चे जो है इन्हें कोई सिगरेट नहीं पी रहा, किसी ने कोई बीड़ी कर रहा, कुछ नहीं खाया है। तो वहाँ पर एक टीचर को एक नया मकसद मिला कि हाँ, ये आगे अगर हमारा घमला जाता है उसको बचा दो। तो ऐसे ये नटोरियस बच्चे इनको हमने इकट्ठा लाया, इनको इकट्ठा लाने की शुरुआत
देखेंगे ये सारे ऑफिशियल्स जिनकी शुरुआत आपने यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा जहां बहुत ज़्यादा सुसाइड होता है फार्मर्स का, वहां से यहां का जो चीफ कोच है वो किनारे पे जो खड़ा है होमकांत नाम है उसका, वो चीफ कोच वहां से भाग गया था, परेशान होकर भागा था इसलिए कि वो रोड कोई कूद गया है, किसी ने पॉइजन ले लिया है, तो इस हालत में वो बेजार युवक जो था वो भाग गया था, वो हमारे हाथ में नक्सलाइट एरिया आपने सुना है गढ़चिरौली, वहाँ से भागे हुए बच्चे वो आज यहाँ पर करते करते चार और चार आठ लोगों की टीम, मैनेजर कोच ऐसे दस लोग विदेशों में जाते हैं, अभी तक इन्होंने यूरोप ऑस्ट्रेलिया यूएस साउथ अमेरिका सारे कॉन्टिनेंट का टूर कर लिया है और अभी इस साल नॉर्वे के ओस्लो में ये अगस्त महीने में इसका कि मैंने आपकी पिक्चर वक्चर देखी नहीं है लेकिन एक नौजवान में देख रहा था उधर से तो सारे के सारे हमारे बच्चे उनकी ओर में देख रहे थे और आप उनको भी सुनने वाले हैं और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कि मैं भी आप लोगों के साथ ये सब के बच्चों के साथ में मैं भी हूँ कर्तव्य तो एक बार फिर तो इतना सफल नहीं था तो सोनी के बारे में बता दूं, सोनी जो हमारा जो एसपीएन है सोनी पिक्चर, ये इसके पास स्पोर्ट्स को लेकर के खास तौर से एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इसी बीच में मैं बुलाना चाहूंगा स्मृति के सिंह जी को जो सीएसआर यानी के बच्चों एक काम करिए आप लोग खड़े हो जाइए। इज इट पॉसिबल आपके ट्राइपॉड को देख पाएंगे, इधर आके बैठ जाइए प्लीज। ओके कंटिन्यूइंग अभी सेट एचआर हेड हैं और जिनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसा मैंने बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दो शब्द कहेंगी। धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे आके बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने स्पॉन्सर किया है नेशनल इंक्लूजन का, सबको देखने को मिल रहा है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसा गेम चल रहा है, दो गेम तो मैंने भी देख लिए। ये श्री विजय जी ने कहा कि क्या मकसद है इसके अलावा, तो उस पर मैं कुछ कहना थी। पिछले साल जो आईपीएल हुआ था उसमें हमने कैंपेन लॉन्च किया था जिसको हम कहते थे एक इंडिया हबी वाला। उस कैंपेन का एक मकसद था कि इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उसमें हम किसी का सिल्वर लाइनिंग बन सकते हैं, एंड द बर्थ ऑफ दैट लेड टू यू नो द बर्थ ऑफ एक इंडिया हैप्पी वाला। एंड सो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि थ्रू सच प्रोजेक्ट्स, एंड आई एक्सप्लेन टू यू व्हाई वी पार्टनर्ड विद स्लम सॉकर, बट थ्रू सच प्रोजेक्ट्स वी वांट टू कीप द स्पिरिट ऑफ एक इंडिया हैप्पी वाला अलाइव। रीजन वी चोज स्लम सॉकर इज बिकॉज यू नो वी आर And in addition to that, as Manoj mentioned, sports broadcasting is one of our strategic initiatives. You know, and sports is supremely empowering. Sports mein koi caste, religion, background nahi dekhta hai, performance dekhta hai aur talent dekhta hai. Aur ye humare liye bahut important tha. Empowerment through sport is something that we wanted to put our money and mouth behind. Slum soccer fitted very well with that for us. I want to thank Shri Vijay Basir ji. Unhika vision tha bahut saal pehle jo abhi ji unka beta hamare paas leke aaya. Hamara intent tha ki hum local chote projects ko sponsor kare jisme long term potential hai. Isliye hum trial wagera yahan pe nahi hai aur humne slum soccer ko. So I also want to thank Abhijit for all of his effort in pulling everything together. Everyone that's here that's participating in this event. And also Siddharth, you know, he's an icon, and having Siddharth here, we saw all the...
Dad for being here. I think it'll be fun to the youth here. Thank you so much. Thank you. Now, Siddharth ke liye itna hi keh sakte hain ki kehte hain ki jo pani gehra hota hai wo sthir hota hai. Jaise ki Prashant Mahasagar, the Pacific Ocean. तो ये बहुत बड़े छुपे रस्तों हैं, जितने शांत स्पोर्ट्स के लिए उतने ही ज्यादा जोशीले हैं. तो स्वागत की प्रशांत सागर जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का. थैंक यू. व्हाट्स अप बॉयज, कैसे भाई लोग, सब लोग रेडी है खेलने के लिए? ओके, सो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे. अब तुम लोग कब से वेट कर रहे हैं हमारे लिए. थैंक यू. आई थिंक पहली बात, जैसा कि मैं समझता हूँ, जैसा कि सर ने कहा, मुझे स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा लगन और पैशन है. मैं बचपन से खुद खेलता आ रहा हूँ और मैंने कुछ ही दिन पहले एक बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था नेल्सन मंडेला का. उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, मतलब स्पोर्ट्स में शक्ति है पूरी दुनिया को बदलने के लिए. और आज जो हम आपको खेलते हुए देखने के लिए आए हैं, वही देखने के लिए आए हैं कि तुम लोग सब रिहर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हो. लड़कियां भी खेल रही हैं, जिसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ. और जब उन्होंने मुझे कहा कि ये जो टीम यहाँ से जीतेगी वहाँ पे वो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होने वाला है, जितनी बात स्पोर्ट्स के लिए कही जा रही है, एक दिल में जहन आ रहा है, एक जहन में बात आ रही है कि सिगरेट पैकेज पे जैसे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, जल्दी लिखा जाएगा स्पोर्ट्स बिल्ड्स एंड स्पोर्ट्स रिड्यूसेस बिल्स. सो With that spirit, now I call upon Mr. Andy Hoon, who is our permanent coach, head coach. He is basically Scotland's son. And Vijay Basuji, who was in 2008, he met. And he asked him, "What are you doing? Are you going out airport?" And when he told him, "You are so good," I saw him. Place. Thank you so much for all your welcome. I hope this week it goes really well, and thank you to Sony, to all the volunteers, to all the supporters, to make this possible to be the largest slum soccer event ever. 40 teams from all over India, including a team from Nepal. This is going to be a fantastic week, guys, so I'd like to wish you all well and hope we can have a fantastic week this week playing football. And I'll hand it over now to yourself to get this game started. Thank you very much. Yeah, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो अभिजीत बासे हैं, जिनके बारे में इतनी चर्चा अभी हुई है, विजय बासे जी के बेटे, जो अपनी प्रोफेसरशिप छोड़ के वापस चले आए अमेरिका से. उन्होंने एक और इनिशिएटिव शुरू किया है जिसे एजुकिंग कहते हैं, जो किसी का एक सब्सिडरी है, जिसमें बच्चे बच्चियों को जो श्रम के हैं बाकायदा इंग्लिश मैथमेटिक्स अलजेब्रा से जो डरते हैं उन्हें सिखाया जा रहा है थ्रू फुटबॉल कि कैसे मैच करते हैं, कैसे इंग्लिश सीखते हैं. ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और जो बहुत सफल है, नागपुर में ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है.
बहुत कुछ सीख सकते थे। तो मैं अभिजीत जी को एक बार बोलूंगा कुछ शब्द यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें। वेलकम। Distribution, please. महाराष्ट्र कैप्टन प्लीज। गर्ल्स, महाराष्ट्र गर्ल्स कैप्टन। Thank you.
काफी खेल चुका बचपन में, अभी भी जब भी समय मिलता है हम लोग खेलते हैं। सब आप लोगों को देखिए होगी, एक ऑल स्टार सॉकर टीम है यहाँ पे दिल्ली में। तो काफी हम लोग गली में खेलते थे, अपनी लेन में खेलते थे, तो मैं समझ सकता हूँ कैसे ये बच्चे अपने जहाँ भी एरिया से आए वहाँ पे कैसे प्रैक्टिस करते थे। बिकॉज हम भी जैसे कि सर कह रहे हैं सिर्फ एक बॉल चाहिए थी और दोस्त चाहिए थे खेलने के लिए। कोई रूल्स नहीं फॉलो करते थे, बस मस्ती करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, एक एक दो दो घंटा पसीने निकल रहे हैं, खेले जा रहे हैं। और उस टाइम पे हम लोग कुछ गलत नहीं करते थे, तो आई थिंक स्पोर्ट्स की बदौलत हमने काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। मैंने कुछ काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ के बारे में। एक जो आप एक स्पोर्ट्स गेम में आप सारे इमोशंस फील कर लेते हैं, कंपेटिटिवनेस, गुस्सा, दोस्ती, यू नो, टीम वर्क। तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट है फुटबॉल, और ये इनिशिएटिव स्लम सॉकर बहुत ही अमेजिंग है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कोट है दैट नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि स्पोर्ट्स हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड, एंड आई डिड ट्रूली बिलीव इन इट। एंड आज का इवेंट उसका प्राइम एग्जाम्पल है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड होप टू ग्रो फॉर मेनी मोर इयर्स। I actually play a defender because I used to be good with tackling at times. So shooting at time when I used to manage to go forward because thodi practice zyada zaruri thi kick maarne ke liye. So I used to be on the defending side. All the players in our pair in the industry, you know, Aditya Roy Kapoor plays really well, Ranbir Kapoor plays really well, Sujit sir, he's a director, he plays really well, and then we have loads of other players. I've played with these many, so I think next time, hopefully, if I can make the time, I'll be there for one of the matches. I think sports, exactly. I think any sport, outdoor activity, बहुत जरूरी है। मुझे काफी घुटन होती है अगर मैं घर से बाहर ना निकलूं या बाहर एक्सपीरियंस ना करूं। जैसे आज मैं आया हूं फील्ड पे इनके साथ खेलने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। वैसे ही मेरे को किसी और दिन में कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, तो मैं निकल पड़ता हूँ। आई थिंक कोई भी एक्टिविटी आप घर से बाहर करें आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और काफ़ी कामिंग और सूदिंग और रिलैक्सिंग होता है माइंड के लिए। तो या आई थिंक आई टोटली एंडोर्स दैट आउटडोर एक्टिविटी एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस मंडे। माय प्लान्स फॉर टुमारो इज ओनली वर्किंग, आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज टुमारो, आई थिंक यू विल रिमेंबर। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। बहुत अच्छे ट्रेलर, बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनके गाने बहुत बढ़िया हैं, अभी सब सुने मैंने। आई थिंक दे हैव एन अमेजिंग एल्बम एंड द फिल्म इज़ रियली गुड। या पता नहीं, मैं भी सोच रहा था क्यों देखा उसने आले की तरफ। आई एम वेरी पजल्ड। हाँ जी, अच्छी बात है, वो पिक्चर खत्म हो गई, रीलोड हम दोनों एक पिक्चर में आ रहे हैं जो इस अगस्त रिलीज होगी, एंड वी हैड लोड्स ऑफ फन मेकिंग इट। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दैट फिल्म, अभी बहुत जल्दी टू टॉक अबाउट इट, बट इट्स एन एक्शन फन फिल्म एंड इट्स गोना कम आउट दिस अगस्त। यस सर, टैलेंट मैं वही एक्चुअली सर से बात कर रहा था कि इतना अमेजिंग है व्हेन दे गेट कोच, यहाँ पे जो कोचिंग मिलती है आपको, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप वो स्किल अक्वायर कर सकते हैं, एंड वी नेवर नो, वी माइट गेट सम ग्रेट इंडियन फुटबॉलर्स हियर, व्हिच इज़ अगेन बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव सर के थ्रू। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम टू प्ले एंड कीप रिहर्सिंग एंड प्ले फॉर आवर कंट्री वन डे। चलिए जरा प्लीज आप जगह क्लियर कर दीजिए, सिद्धार्थ जी आएंगे पिच पे। मीडिया आप जाइए, मीडिया गो टू द लेफ्ट। मीडिया प्लीज प्रोसीड टू द लेफ्ट।
हो गया स्टार्ट द गेम मैडम थैंक यू उत्तराखंड मैनेजर प्लीज सिद्धार्थ जी वन मोर सीसेक सर वंस मो मेरे LCD में कुछ पता ही नहीं चलता क्या छप रहा है क्या नहीं, इसका ये प्लास्टिक में निकाल ही डालूंगा। She's a teacher.